बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर यह है कि दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान, जम्मू कश्मीर में आज होगा चुनाव का ऐलान। 370 हटाने के बाद पहला विधानसभा चुनाव होगा। हरियाणा चुनाव को लेकर भी ऐलान संभव है। तो 3 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है, लगातार इस पर हमारी नजर होगी। चुनाव आयोग की तरफ से क्या कुछ ऐलान किया जाता है ये जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि हरियाणा में भी आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर जो कि बेहद महत्वपूर्ण, धारा 370 हटने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव होगा जम्मू कश्मीर में। इसके साथ ही हरियाणा विधानसभा चुनाव के ऐलान को लेकर भी संभवता जताई जा रही है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। चुनाव आयोग आज दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। चुनाव आयोग की तरफ से तमाम बड़े ऐलान आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में होंगे, इस लिहाज से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बेहद महत्वपूर्ण है। तो विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, जम्मू कश्मीर में आज चुनाव का ऐलान होगा और ये बहुत महत्वपूर्ण, चूंकि धारा 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग तमाम जो डिटेल है वो साझा करने वाला है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग आज दोपहर 3 बजे एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है, जिसमें जम्मू कश्मीर के चुनावी कार्यक्रम का ऐलान होगा। इसके अलावा आज हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान होगा। ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे दीपक शर्मा, हरियाणा ब्यूरो चीफ, इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद से पहली बार विधानसभा चुनाव होगा, बहुत महत्वपूर्ण, और इसके साथ ही हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए ऐलान संभवता है, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, अगर बात करें क्योंकि जम्मू कश्मीर में सितंबर के से पहले पहले यानी 30 सितंबर से पहले पहले जो है विधानसभा के चुनाव करवाने हैं, और इसके लिए अब अगर बात करें तो केवल 45 दिन का समय बच रहा है। और ये धारा 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होंगे, तो उसको लेकर के तारीखों का आज ऐलान होना, इसके लिए लगातार चुनाव आयोग की टीम ने पूरी तैयारियां भी कर ली है। लगातार बीते दिनों में देखा उन्होंने जम्मू कश्मीर का दौरा भी किया था, और इस बार का चुनाव कई मायनों में अहम भी, क्योंकि 370 हटने के बाद पहली बार वहाँ विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ क्योंकि चुनाव आयोग की टीम ने कुछ दिन पहले ही हरियाणा का भी दौरा किया था, बाकायदा अगर बात करें तो चंडीगढ़ पहुंचे, हरियाणा के तमाम अधिकारियों के साथ भी उन्होंने चर्चा करी थी, हरियाणा की परिस्थितियों को भी देखा था। ऐसे में हालांकि हरियाणा के चुनावों को लेकर के तो समय है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हरियाणा के चुनाव अक्टूबर के अंतिम माह तक हो, अंतिम तारीख तक हो सकते हैं। वो कयास ये भी थे कि 15 सितंबर के बाद हरियाणा में चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से चुनाव आयोग की टीम ने यहाँ दौरा करा, ऐसे में सूत्र ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है कि समय से पहले भी हरियाणा को लेकर के भी चुनाव आयोग तारीख का ऐलान कर सकता है, लेकिन अभी तक चुनाव आयोग ने इसकी कोई पुष्टि नहीं करी है। आज दोपहर को 3 बजे दिल्ली में विज्ञान भवन में एक प्रेस वार्ता है, 3 बजे विज्ञान भवन में जो प्रेस वार्ता है उसके मुख्यतः तो जम्मू कश्मीर का है, लेकिन संभावनाएं हरियाणा को लेकर के भी जताई जा रही है, क्योंकि चुनाव आयोग का कहना था कि वो हरियाणा में भी चुनाव को लेकर पूरी तरीके से तैयार है, बस तारीखों को लेकर के अगर बात की जाए क्योंकि हरियाणा में अभी समय बाकी है, तो ऐसे में हरियाणा को लेकर के कयास जरूर दे दे, लेकिन फिलहाल चुनाव आयोग की तरफ से अभी पुष्टि नहीं की गई है। जी बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी के लिए दीपक धन्यवाद आपका। और इसके साथ ही आपको बता दें, हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त राजू कुमार ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा के अधिकारियों से इस संबंध में मीटिंग भी की है, इस लिहाज से ये माना जा रहा है कि हरियाणा के चुनाव के लिए भी, हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भी ऐलान आज हो सकता है।